हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलबीर, और आप देख रहे हैं अबाउट कार्स। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके डिमांड पे बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी कमेंट्स आए थे। जो मेरी से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मारुति 800 है, उसमें आपको मैंने दिखाया था किस प्रकार से आप अपना गियर ऑयल और आपका इंजन ऑयल आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो उसी में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर, जो स्विफ्ट कार है आपकी, जो स्विफ्ट कार है नई वाली, उस पर आप वीडियो बना दीजिए। तो उस बेसिस पे मैं आज का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, स्विफ्ट के जो 2019 के बाद जितने भी मॉडल आए हैं, तो आप इसी मेथड से चेक करेंगे जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बाकी दोस्तों, मैं उसी कंटेंट पे वीडियो बनाता हूँ जो आप इजीली अपने घर में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है ये सिर्फ जो आपकी पेट्रोल इंजन के लिए है, ये डीजल के लिए नहीं। डीजल की जो आपकी अलग है, क्योंकि उसमें जो आपका रेडिएटर पूरा छुपा हुआ रहता है डीजल में, और इंजन ऑयल को तो फिर भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो कूलेंट का वो पूरा ही सिस्टम छुपा हुआ रहता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में दबाएं बेल आइकन, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पाएं। दोस्तों, जिस टाइम आप अपना इंजन ऑयल लेवल चेक करेंगे या फिर अपना कूलेंट लेवल चेक करेंगे, तो उस टाइम जो आपकी कार पार्क होनी चाहिए वो एकदम फ्लैट सरफेस पे होनी चाहिए। या तो दोस्तों, आपको जो बोनट खोलने का यहाँ पे पुलर है, या फिर आप लॉक कह सकते हैं, ये स्टीयरिंग साइड में सभी कार्स में यहीं पे रहता है ये वाला। इसको आप यूँ खींचेंगे तो आपको जो बोनट है वो खुल जाएगा। दोस्तों, अंदर से जो आपका जो कैबिन के अंदर से जो आपका बोनट है, उसका लॉक खोलने के बाद आप जस्ट यहाँ हाथ फंसाएंगे, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जब आप यहाँ से हाथ फंसाते हैं इस प्रकार से, तो आपका जो ये लॉक है ऊपर हो जाएगा। और लॉक ऊपर होने के बाद जो आपका बोनेट है, या आपका बोनेट का जो हुड है, वो आपका खुल जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आपको जस्ट यहाँ से यूं में हाथ फंसाना है, ताकि आपकी इस प्रकार से रहता है। यूं में आपका ये बोनेट आपको खुल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है बोनेट खोलने में, इसलिए मैंने आपको ये वाला पॉइंट भी दिखा दिया है किस प्रकार से आप अपना बोनेट खोलेंगे। और उसके बाद आपको इस वाले होल में इसे फिक्स कर देना है इस डंडी को। अभी मैंने ये सॉकर कैप के ऊपर रखा हुआ है, इस टाइप से ये पूरा यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे टाइट हो चुका है। तो कूलेंट चेक करने का बेस्ट टाइम है, या आपका इंजन ऑयल लेवल चेक करने का जो बेस्ट टाइम है, वो है जब आप कहीं अपनी लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे हो, चाहे शॉर्ट ड्राइव पे निकल रहे हो, तो उस टाइम आप इसे चेक करें, तो आपकी जो सबसे अच्छी एक्यूरेट रीडिंग आएगी उसमें इंजन ऑयल की। तो दोस्तों, ये आपका इंजन भी रहने वाला है, तो ये देख पा रहे होंगे आप इंजन ऑयल का, इसमें सब ब्लैक कलर का, इसमें कोई कलर कोड नहीं दिया गया है, इसलिए दिक्कत होती है थोड़ी ढूंढने में। आप देख पा रहे होंगे इंजन ऑयल की कैप है इसकी इस तरीके से, और ये जो आप देख पा रहे होंगे ये येलो वाला, डार्क येलो कलर में है ये थोड़ी सी। इसको खोलने के बाद आपका जो लेवल है वो चेक हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, एक बार इसे खोल के ऊपर निकाल लेना, कपड़े से साफ कर लेना, उसके बाद ही आपको फिर ये अंदर डाल के, गेज अंदर डाल के फिर आपको चेक करना है कि आपका जो इंजन ऑयल का लेवल है कितना है। दोस्तों, इस प्रकार से निकाल के इसका जो थोड़ी गेज है वो थोड़ी बैंड टाइप में है, उसके बाद आप इसे क्लीन कर देंगे। क्लीन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे इसमें आपकी दो डॉट हैं, दोस्तों मैंने कपड़े से क्लीन कर लिया, इसमें आप देख पा रहे होंगे दो डॉट हैं। तो ये आपको जो ये वाला है आपका, ये आपका लो लेवल का है, और ये आपका जो जितना आपका लेवल होना चाहिए पूरा नॉर्मल लेवल का, तो ये वाला डॉट है। अगर इसके बीच में भी है, तब भी आपको अपने इंजन ऑयल को रिफ़िल करना है, आपको और ऐड इंजन ऑयल करना है इसमें, अगर इससे इसके बीच में भी है, और अगर यहाँ है तब तो आपको करना ही करना है, लेकिन इस बीच में भी है तभी आपको चेक करना है। और इस लेवल में अगर आपका, तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट है और बिल्कुल ओके है।
यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपना इंजन ऑयल ऐड करने की, रिफ़िल करने की, आप एक्स्ट्रा इंजन ऑयल नहीं डालेंगे। और दूसरी बात, आपको क्वालिटी भी चेक करनी है तो इसी के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों, अब ये जो गेजर क्लीन हो रखा है, इसके बाद हम इसे अंदर डालेंगे। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पूरा अंदर, यहाँ तक इसमें एक आपकी रबर की गैस्केट लगी हुई है, तो पूरा आप इसे अंदर डालेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो आप इंजन ऑयल यहाँ से लीक कर सकता है कि फिर आपका जो गेज है वो थोड़ी बाहर भी आ सकता है। तो कुल मिला के आप इसे पूरा डालेंगे अंदर। दोस्तों जब आप इसको ऐसे में नहीं डालेंगे, सबसे पहली बात इसको इस टाइप में नहीं डालेंगे, इसको आप सामने, प्लेट को आप सामने रख के यूँ डालेंगे, तभी आपका सही तरीके से अंदर जाएगा। यूँ डालने के बाद आप इसे आप थोड़ी पुश कर देंगे, यूँ थोड़ी टाइटली यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप इसे ऊपर निकाल देंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर वाला डॉट है वहाँ तक आपका जो इंजन ऑयल है पूरा फिल हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे पूरा इसका जो सरफेस है ये पूरा इसमें ऑयल से यहाँ पे भरा हुआ है, पूरा यहाँ ऊपर वाला डॉट तक। तो आपको जो इंजन ऑयल है वो ओके कंडीशन में है और इसमें पूरा भरा हुआ है, देख पा रहे होंगे आप जो ये वाला होल है ऊपर वाला, ये पूरा यहाँ तक भरा हुआ है। तो इस कंडीशन में आपका जो इंजन ऑयल का लेवल है वो बिल्कुल ओके है। बाकी दोस्तों आपको कंडीशन चेक करनी है इंजन ऑयल की, तो दोस्तों इंजन ऑयल की क्वालिटी चेक करने के लिए आपको जस्ट इस पे देख पा रहे होंगे आप, ये अभी बिल्कुल ब्लैक नहीं हुआ है अभी इसकी जो, अभी इसमें काफ़ी चिकनाई है और आप कलर भी देख पा रहे होंगे। और जब ये इंजन ऑयल पूरा ख़राब हो जाएगा 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, तो आपको जो कलर पूरा ब्लैक हो जाएगा और दूसरी बात जो आपकी चिकनाई हो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका इंजन ऑयल, इसके बाद हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे किस प्रकार से आप अपना कूलेंट लेवल चेक करेंगे, देखेंगे ये सही है कि नहीं है। इसको पूरे टाइटली आप अंदर लगा देंगे, मैंने आपको इसमें पहले भी दिखाया कि यहाँ पे एक रबड़ की आपकी गैस्केट है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं कूलेंट लेवल पे। कूलेंट का हम पहले, और जिस समय आप इसे खोलेंगे इसमें लिखा हुआ है नेवर ओपन व्हेन हॉट, जिस समय आपका ये गर्म रहता है उस टाइम आप इसे न खोलें, जिसमें आपकी गाड़ी बिल्कुल ठंडी होगी, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन उस टाइम आप इसे खोलेंगे, इस टाइप घुमाएंगे आप इसे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ तक जब आपका आ जाएगा तिरछे में इस टाइप में, तब आप इसे ऊपर कर सकते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसको बिल्कुल जहाँ पे इसकी ये नाली रहती है तो यहाँ पे तक इसका लेवल है, ये ओके है। अगर आपका इसके ऊपर भी रहता तभी ओके है, अगर इससे नीचे नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक आपको कूलेंट दिखना ही चाहिए, बाकी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जूम करके दिखा देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर जो इसकी नाली है यहाँ से आगे अंदर तक जा रही है, तो उसमें आपको जो कूलेंट का लेवल हो ओके है। उसके बाद इसे आप वैसे ही वापस फिक्स कर देंगे इस टाइप से, और ये आपका फिर ओके हो गया है। उसके बाद दोस्तों इसका जो आपका रिजर्वायर है वो काफ़ी नीचे दिया गया है, ऐसा नहीं कि जो आपकी जैसे अल्टो उल्टो है तो उसका यहाँ पर रहता है साइड में, लेकिन इसे काफ़ी नीचे दिया गया है। और इसका जो पाइप है वो भी काफ़ी लंबा है, अंदर तक जाता है, वहाँ से ये सक करता है अगर आपका जो कूलेंट का लेवल कम है। तो इस प्रकार से आपका ये बॉक्स रहने वाला है, और एक बार मैं आपको थोड़ी जूम करके भी दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे फुल ऊपर वाला,
तो इसमें क्या हुआ कि जब इस सर्विस कराई गई तो इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा डाला गया है, लेकिन इस इतना नहीं होना चाहिए। बाकी आपको जो कूलेंट है वो बाहर फेंक देगा, फिर रिजर्वा है। लेकिन जो आपका फुल का लेवल है आपका यहीं तक होना चाहिए, और जो आपको जो डाउन का लेवल है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख पा रहे हो नीचे ये लो का लेवल है, यहाँ पर ये वाला आपका लो का लेवल है और ये आपका फुल है। तो लो अगर है तो आपको रिफ़िल करना है, और जो कंपनी रिकमेंड करती है आप वही कूलेंट इसमें डालेंगे, कोई दूसरा नहीं डालेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए और कार के लिए भी। तो या तो फिर आपका ये फुल वाला फुल तक ज़्यादा अगर लो है, या फिर यहाँ है किसी डॉट में, लो के बाद मीडियम में है कहीं और है, मीडियम से थोड़ी ऊपर है, तब भी आपको इस लेवल तक ही इसको भरना है, फुल तक। फुल के ऊपर आप नहीं भरेंगे, नहीं तो आपका जो रिजर्वायर है वो आपका जो कूलेंट है वो बाहर फेंक देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको अपना कूलेंट और इंजन ऑयल चेक करना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।